कमाल का शॉट लाजवाब अद्भुत और ये चौका हे hey, जगत की पूरी कहानी ओनली ऑन आकाशवाणी टू यम प्रेजेंट हैश आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत है और एक्चुअली uh, अब अफगानिस्तान कह रहा है कि यू you नो know, थोड़ा स्वैग के साथ हमारा स्वागत नहीं करना चाहिए था आपको आई मीन इमेजिन और अब ये सीरियस एक्चुअली कॉन्वर्जेसन है जो उतनी सीरियस पहले शायद नहीं थी वो ये कि अगर ये जो पहला मैच था बांग्लादेश के सामने एट धर्मशाला अगर ये वाला मैच अफगानिस्तान जीत जाता क्योंकि जीतना चाहिए ना देखिए आपने इंग्लैंड को धराशाही किया आपने पाकिस्तान को नस्त किया आपने श्रीलंका को रफा दफ़ा किया है दे आर प्लेइंग सम सम्यूट टेलर क्रिकेट खेल रहे हैं और ये जो पिच थी वो तो वैसे भी इनके मतलब की नहीं थी क्योंकि स्पिन थोड़ी ना यहाँ पे होने वाली थी तो फिर उस दृष्टिकोण से अगर देखो आप तो एक्चुअली दो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं इस समय अगर इस टूर्नामेंट की आप बात करें एक तो ऑफकोर्स आप टॉप चार में पहुँचना चाहते हैं और दूसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई करना चाहते हैं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट है नहीं वहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट ही है कि टॉप सात टीमों में आपको रहना है क्योंकि आठवीं टीम का पाकिस्तान का फ्री एंट्री है तो पाकिस्तान कहीं पर भी फिनिश करे आ, दे विल प्ले क्योंकि होस्ट नेशन है और ये मेरी बात ध्यान से सुनिएगा इस हैश आकाशवाणी को बाद में कोट कीजिएगा होस्ट नेशन है दैट डज नॉट मीन कि जो टूर्नामेंट है वो पाकिस्तान में होगा होस्ट नेशन है एक बार फिर याद रखिएगा आप जरा अफगानिस्तान की बात करता हूँ कि कहाँ खड़े हैं सी कहाँ खड़े हैं इसमें छः मैचेस तीन जीत जो कि बहुत ज़बरदस्त काम किया है तो ऐसे में जो सवाल आपके जहन में आता है ना वो ये आता है कि अगले कौन कौन से मुकाबले हैं क्योंकि तीन मैचेस और बचे हैं पोटेंशियली तीन में से तीन चीज जो आप बारह अंक हो जाएंगे बारह अंकों में आप क्वालिफाई कर जाओगे मुझे लगता है आई डाउट इट कि कोई भी टीम जो छः मुकाबले जीतेगी वो क्वालिफाई नहीं करेगी ऐसा मुझे लगता है लेकिन अगले मुकाबले कौन कौन से हैं सी दैट्स द बिग वन नैदरलैंड के सामने तीन नवंबर को ये खेलेंगे इकाना स्टेडियम लखनऊ में ये वाला मैच जीत सकते हैं एक्चुअली थोड़ा सा रेड सॉइल का सरफेस थोड़ा सा टर्निंग सरफेस और यहाँ पे नवीन उलहक का घर है भैया और अफगानिस्तान इस मैदान पे बहुत खेली है पहले भी क्योंकि भारत ने बहुत उनको अपना घर दिया है कि आप आके खेलिए प्रैक्टिस कीजिए तो दे भी वेरी गुड देयर पर उसके बाद ना सात नवंबर को इनके सामने पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया पता कहाँ पड़ेगा मुंबई के मैदान पर वानखेड़े के मैदान पर सामने ऑस्ट्रेलिया हो जिस तरीके की फॉर्म में ऑस्ट्रेलिया आ रहा है आई थिंक वहाँ पे कैंपेन जो है ना वो डी होने के चांसेस हैं उसके बाद साउथ अफ्रीका है वो अहमदाबाद में है तो आई I मीन mean, अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि छः में से तीन जीत तीन हार सिटिंग एट फाइव सबसे ऊपर हैं इंग्लैंड बांग्लादेश पाकिस्तान इन सबसे ऊपर हैं पर क्या आगे जा पाएंगे डजन लुक वेरी गुड ऑनेस्टली मतलब यहाँ से आगे का रास्ता थोड़ा सा मुझे मुश्किल नज़र आता है पर अभी तक जो खेले हैं अफगानिस्तान बहुत कमाल का खेले हैं एम ट्विस्टीज़ ट्विस्ट ऑफ़ द मैच अब ये कहाँ आया कैसे आया टेल यू फजल हक फारूकी के थ्रू आया इंटरेस्टिंग था क्योंकि जब मैंने इस पिच की बात की थी कल जब अक्स ने भी रिपोर्टिंग की थी तो उसने यही कहा था कि ना इस पिच के ऊपर फास्ट बोलर्स के लिए तो मदद है स्पिन के लिए ज़्यादा नहीं होगी अफगानिस्तान तीन स्पिनर से खेलता है इनकी मतलब ताकत जान सब कुछ स्पिन में है राशिद नबी मुजीब उन्होंने रियलाइज़ किया कि नूर को बिठाना पड़ेगा हालांकि नूर ने पिछले मैच में तीन विकेट ली थी उनको बिठाया फजल हक फारूकी को वापस लाए फजल हक फारूकी ने लिए चार विकेट जिसमें शुरुआत की थी दिमुत करुणा रत्ने के सामने फिर उन्होंने चरित असलंका को आउट किया फिर इन्होंने एंजिलो मैथ्यूज़ को आउट किया उसके बाद इन्होंने महेश तीक्षणा को आउट किया और इंटरेस्टिंगली इनाफ सबके पास स्टार्ट थी यार पंद्रह बनाए थे करुणा रत्न ने असलंका ने बाईस बनाए थे मैथ्यूज़ तेईस पे खेल रहे थे और इवन महेश तीक्षणा भी उनतीस पे थे तो अगर आप ये चार प्रमुख बल्लेबाज प्रमुख चाहे ना हो पर पीपल एक्चुअली हुस्कोट रन्स ये वो लोग हैं जिन्होंने रन्स बनाए हैं तो उनको आउट करने से आप मैच को ना एकदम से पलट देते हो ये 280 290 वाली पिच थी मिनिमम आपने बनाया कुल मिला के दो सौ इकतालीस दैट वॉज कर्टसी फज़ल हक फारूकी और मेरे दिमाग में तो कोई डाउट नहीं है कि टू एम टूस्टीज ट्विस्ट ऑफ़ द मैच और बड़ा करारा ट्विस्ट दिया है वैसे कि देर इज़ अ ट्विस्ट इन द टेल ऑलवेज फजल हक फारूकी को दे देते हैं ये वाला हम अवार्ड रिवॉर्ड बहुत बढ़िया हाँ ये बातें श्रीलंका को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा थोड़ा चिंतन मनन करना पड़ेगा इन्होंने कुशल परेरा को बाहर बैठाया दिमुत करुणा रत्ने को खिलाया पर स्टार्ट तो बहुत लोगों को मिली यार कुछ नाम तो मैंने आपको पहले बता दिए अब इसमें अगर देखे पथुम निशंका ने भी छियालीस बनाए समी सदीरा समर विक्रमा ने भी छत्तीस बनाए एक भी बंदे ने पचास नहीं बनाया देखिए इतनी अच्छी पिच पे अगर आप को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया जाता है और एक भी पचास नहीं बनाते हो ना तो फिर वो सही काम होता नहीं और फिर जब रन चेज़ की बारी आई श्रीलंका की फील्डिंग थोड़ी सी पुअर रही है वैसे लगातार पुअर रही है और दुष्मंता चमीरा ये मैच खेल रहे थे बाई द वे कुमारा की जगह उनको अब टीम में जगह मिली है अट्ठारह खिलाड़ी खिला दिए इस टीम ने 18 प्लेयर्स किसी भी टीम ने इस टूर्नामेंट में अभी तक 18 खिलाड़ी नहीं खिलाए हैं पर इन्होंने खिला दिए हैं जिसमें इंजरीज़ के रिप्लेसमेंट आता जाना आना जाना चलता रहा है श्रीलंका पास में उसका भी बड़ा लाभ हो जाता है मुझे लग रहा है दो रन मात्र तीन विकेट के नुकसान पर कर दिया चेन्नई में थे पाकिस्तान के सामने तो आठ विकेट से जीते थे यहाँ पर सात विकेट से जीते हैं रहमान गुरबाज जीरो पर आउट हो गए थे मधुशंका की गेंद पर लेकिन इब्राहिम जादरान इब्राहिम जादरान ने बनाए थर्टी नाइन आई थॉट कि थोड़े से और बनाएगा पर फिर रहमत आ जाते हैं एक बार रहमत आ जाते तो रहमत ही तो चाहिए थी रहमत ने बनाए बासठ हजमतुल्ला शाहिदीन के कप्तान ने बनाया अट्ठावन और उसके बाद अजमतुल्लामरजाये एक विकेट भी लिया था तिहत्तर नॉट आउट भी बनाए हैं ही इज़ एक्चुअली बहुत इम्प्रेसिव लगे हैं अजमतुल्ला उमर ज़्या इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप देखेंगे विकेट्स चटकाए है। हैं महत्वपूर्ण रन्स बनाए हैं एंड भारत के खिलाफ भी बनाए थे यार ही इज़ एक्चुअली अ वेरी डिसेंट प्लेयर और सात विकेट से मैच को जीतना वेल डन टीम अफगानिस्तान हाँ तारीफ़ के योग्य तारीफ के काबिल उन्होंने काम किया है श्रीलंका के एक जैसे बिकॉज अब श्रीलंका की हम बात कर ही रहे हैं तो श्रीलंका के आगे मुकाबले क्या क्या है वो भी देख लेते हैं क्योंकि अभी छः मैच में दो मैच आप जीते हैं चार अंक आपके पास हैं आने वाले मुकाबले अगला भारत से दो तारीख को ये मुंबई में होगा बांग्लादेश के खिलाफ आप छः तारीख को खेलेंगे पर फिर न्यूजीलैंड नौ तारीख को आपके सामने पड़ जाएगी तो श्रीलंका भी कहीं नहीं जाएगी मुझे लग रहा है कोलंबो ही जाएंगे और सेमीफाइनल से पहले ही चले जाएंगे क्योंकि वहां तक ये शायद नहीं पहुँच पाएंगे